ब्रेक बाद इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस को 10 दिन में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पेरेंट्स एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की ओर से? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने पेरेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर सीबीएसई, दिल्ली पुलिस और एचआरडी मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि 10 दिनों के भीतर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। दरअसल पेरेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि पूरे मामले की जांच जो है वो कोर्ट की निगरानी में किए जाए और जो भी इस मामले में कल्पित हैं उन्हें पकड़कर उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसी बाबत दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इसी से संबंधित तीन और मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में। चलिए आशीष, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेटस